और अब आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान के दौसा, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उनका रोड शो जारी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दौसा से। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा में ये रोड शो कर रहे हैं। बता दें बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है, जहां पीएम मोदी का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है, जहां सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दौसा से, जहां लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है पीएम को लेकर और तरह तरह के उनके स्वागत के लिए लोगों ने तैयारियां की है। इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दौसा से। पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है जगह जगह पर, जहां उनके साथ किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये राजस्थान दौरा है लोकसभा चुनावों को लेकर, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओपन कार में करीबन 1.25 किलोमीटर का सफर तय करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी इस रोड शो के जरिए, जहां 4 मंच बनाए गए हैं। और 10 जगह पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी का ये पहला रोड शो है राजस्थान में, जहां लोकसभा चुनावों को लेकर वो अपना पहला रोड शो कर रहे हैं। दौसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी ने ये रोड शो शुरू किया है। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने बाड़मेर में सभा को संबोधित किया था। अपने रोड शो से पहले वो गांधी तिराहा पहुंचे और गांधी प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया और वहां से वो ओपन कार में सवार हुए, जहां गुप्तेश्वर सर्किल तक उनका रोड शो होगा। रोड शो के लिए अलग अलग स्वागत गेट और 4 जगह मंच बनाए गए हैं, तो वहीं 10 जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है, जहां जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीएम को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्साह बना हुआ है और मौके पर भारी भीड़ जुटी हुई है। इसके साथ ही लगातार सुरक्षा जाब्ता उनके साथ चल रहा है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में चुनावी सभा को संबोधित किया था, जहां पर उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा था। पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गांधी तिराहे से शुरू हुआ है। मोदी रोड शो को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने अपना मोर्चा संभाला है। बता दें कि
पीएम नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से पहले लगातार गुरुवार को एसपीजी सहित पीएमओ सुरक्षा से जुड़ी टीम ने रिहर्सल किया था और रोड शो के दौरान जिला और रेंज के 6 एसपी, 45 एएसपी और डीएसपी, 125 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर उनके साथ मौजूद। इसके अलावा 1000 से ज्यादा जवानों को भी तैनात किया गया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी कन्हैयालाल मीणा, बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में ये रोड शो कर रहे हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा से है। पिछली बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में ही गई थी, बता दें आपको। सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है। नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में पहला रोड शो कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में पीएम नरेंद्र मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद हैं। ओपन जीप में भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के साथ कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने बाड़मेर में एक सभा को संबोधित किया था। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो है। बात की जाए अगर इस सीट की, तो आपको बता दें इससे पहले भी ये सीट बीजेपी के ही खाते में गई थी और अब यहां पर बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी, वहीं कल रिहर्सल भी किया गया था उनकी सुरक्षा को देखते हुए। इसके साथ ही अभी भी उनके साथ 1000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी के दौसा के रोड शो की, जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। ओपन कार में इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी सवार है, हाथ में उन्होंने पार्टी का सिंबल कमल पकड़ा हुआ है। इस दौरान 4 जगह मंच बनाए गए हैं, वहीं 10 जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, साथ ही 10 जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी का ये राजस्थान का पहला रोड शो है। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दौसा से। जहां पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है।
इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हुए। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उनका रोड शो जारी है। भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में दौसा शहर में रोड शो शुरू किया हुआ है, जो कि करीबन 1.25 किलोमीटर लंबा है। साथ में सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दौसा से। बता दें, अपने रोड शो से पहले पीएम गांधी तिराहा पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, और इसके बाद वो ओपन कार में सवार हुए, जहां से 1.25 किलोमीटर तक के रोड शो में वो गुप्तेश्वर सर्किल जाएंगे। उनका जाप्ता गुप्तेश्वर सर्किल जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी लोगों का लगातार अभिवादन करते हुए चल रहे हैं। लगातार लोगों में पीएम को देखने का उत्साह बना हुआ है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के मंच पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी के पहुंचने से पहले मंत्रोच्चार हुआ और शंखनाद किया गया। लोकसभा चुनावों को लेकर यह उनका पहला रोड शो है। बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा से होगा। आपको बता दें कि बात अगर कन्हैयालाल मीणा के राजनीतिक करियर की जाए, तो 1990 से लेकर 2003 तक लगातार वो 4 बार विधायक रहे हैं, वहीं राज्य सरकार में खेल मंत्री रहे। तो 2018 में विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 2023 में विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला है और इस दौरान उनका मुकाबला मुरारीलाल मीणा से होगा कांग्रेस के। इससे पहले ये एक सीट बीजेपी के खाते में थी, जहां से जसकौर मीणा जीती थी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दौसा की, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है। बता दें, काफी हॉट सीट मानी जा रही है दौसा। दौसा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये उनका पहला राजस्थान में रोड शो है, जहां पर उनके साथ इस वक्त ओपन कार में किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा भी मौजूद है। तो वहीं पीएम लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। पीएम को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई है। ये आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दौसा से। दौसा में पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वो रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ ओपन कार में बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा और किरोड़ी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद हैं। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में दौसा में पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है, जो कि राजस्थान में उनका लोकसभा चुनावों को लेकर के पहला रोड शो है। करीबन 1.25 किलोमीटर का ये रोड शो है, जो कि
गुप्तेश्वर सर्किल पर पहुंचकर समाप्त होगा। पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है, जहां राजस्थान में आज उनका पहला रोड शो है। बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में दौसा शहर में वो रोड शो कर रहे हैं। मोदी के साथ ओपन जीप में बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने आज बाड़मेर में जनसभा को संबोधित किया था। बता दें, रोड शो के लिए उनके स्वागत के लिए तरह तरह की तैयारियां की गई है। 10 जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उनका स्वागत होगा। आपको बता दें कि इस रैली को लेकर चाक चौबंद तैयारी की गई है। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजर रही है, जहां कहीं संत समाज उनका स्वागत करने के लिए तैयार, तो कहीं राजस्थानी संस्कृति से पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है।